हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, मेरी भैया दूज की जो कोथली आ चुकी है और भाभी लेके आई है, और क्या क्या लेके आई है तो चलिए आपको दिखाई देती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने से ही शुरू कर देती हूँ। तो ये मेरे पास देखिए, भाभी एक ये साड़ी लेके आई है और बहुत खूबसूरत सी साड़ी है, यानी कि सिल्क में है ये साड़ी। और पूछ रही थी मुझसे फोन करके कि दीदी आपके लिए मैं क्या लूं, तो मैं तो उसको मना ही कर रही थी कि मत लो कुछ भी, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी वो नहीं मानी और बहुत सुंदर सी साड़ी लेके आई है। और मुझे इसका कलर जो है वो भी पसंद आया और साथ में साड़ी भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो आप भी मुझे बताइएगा कि देखिए कैसी लग रही है। और कुछ इसमें ना चौड़ा बॉर्डर है, ये देखिए इस तरीके से। तो आपको मैं निकाल के ही दिखा देती हूँ, मुझे खोलने भी है वैसे। तो बोल भी रही थी कि दीदी आपको ये तैयार कर दिया, तो मैंने बोला मैं इसको जरूर तैयार करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी आई है और कलर भी इसका बिल्कुल डिफरेंट सा है। मेरे पास इस तरीके की हैवी नहीं, मतलब कलर नहीं है। तो देखिए बहुत प्यारा सा बॉर्डर है इसका गोल्डन कलर में, तो काफी चौड़ा बॉर्डर है जो कि आजकल साड़ियों में चल ही रहा है। बहुत लाइट वेट भी है और साथ में ये देखिए, मतलब पूरी साड़ी आई थिंक ऐसी है, पूरी में ये बूटियां हैं। और भी दिखा देती हूँ खोल के। वाओ, बहुत सुंदर इसका पल्लू है, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये इसका पल्लू है जो कि बहुत सुंदर डिजाइन से बनाया हुआ है और बहुत ज्यादा सुंदर लग भी रही है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि जो मेरी साड़ी है भाभी लेके आई है वो कैसी लगी आपको। मैं ना साड़ियां वैसे कम डालती हूँ, लेकिन क्या नाम है, जैसे पार्टी वगैरह या शादी वगैरह में, फंक्शंस में डाल लेती हूँ तो सुंदर लगती हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको साड़ी कैसी लगी। तो इसके अंदर कुछ देखिए डेजल्स लगे हुए हैं पल्लू के अंदर, ये देखो। और इसका जो आपको, मेरे को खोलनी पड़ेगी पूरी गाय तभी पता चलेगा, क्योंकि मैंने अभी देखी नहीं है, जस्ट आपसे ही शुरू की है। तो ये इसका ना, ये इसका ब्लाउज है जिसमें ये बॉर्डर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। मतलब बॉर्डर पीछे भी कर सकते हैं और स्लीव्स भी कर सकते हैं। और साथ में ये देखिए कुछ इसमें प्रिंट है, ये देखो कुछ प्रिंट सा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक सा प्रिंट है और अच्छा भी लग रहा है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट सा है। और साथ में देखिए कुछ, मतलब पूरी साड़ी ये इस तरीके की है। और पल्लू इसका आपको मैंने दिखाई दिया। तो गाइज कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और साथ में ये देखिए, भाभी ने उसी के साथ की मेरे को ये बैंगल्स भी दी हैं, मतलब अंदाजे से लेके आई है, उसको पता तो है वैसे, लेकिन ये देखिए अच्छे से देखिएगा। तो ये वाली कांच की चूड़ियां, उनको पता है कि कांच की चूड़ियां मैं ज्यादा पहनना पसंद करती हूँ और मुझे कांच की चूड़ियां ही ज्यादा पसंद है। साथ में ये बिंदी है और एक रबर है, हेयर रबर। तो ये तो मेरी साड़ी थी जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और मैं इसको जरूर तैयार करूंगी, क्योंकि भाभी ने बोला था, उनकी डिमांड थी कि इसको जरूर तैयार करना दीदी, इसको पहनना। तो देखती हूँ पहनी तो कब जाएगी, कब वो तैयार होगी, ये तो मुझे पता नहीं कि कब मैं उसको तैयार करूंगी। और ये देखिएगा, एक मेरी ये वाली कुर्ती है, ये देखिए जो कि ऑरेंज कलर में है। तो ये कुर्ती तो मेरी गर्मी की है और साथ में देखिए इसमें बेल स्लीव्स बनी हुई हैं, प्योर कॉटन में है। और ये इसमें थोड़ा सा थ्रेड का वर्क है, मतलब अच्छा है, कुर्ती बहुत सुंदर है, मुझे पसंद भी आई है। जैसे लाइट वेट है, मतलब घर में पहन लेते हैं। और नीचे इसके अंदर इतना इतना वर्क भी है, देखिएगा। तो ये कुर्ती पहनूंगी तब भी आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है, वैसे आप वैसे भी बता सकते हैं कि कैसी लग रही है। तो ये कुर्ती है और साथ में देखिए गाइस, ये इसका प्लाजो है, सेमी प्लाजो है, मतलब अच्छा है, मुझे पसंद भी आया। और साथ में देखिए इसके साथ ये दुपट्टा और इसके साथ भी इस तरीके की बिंदिया है। तो बिंदिया जो है ये इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो ये तो देखिए मेरी फेस्टिवल में ही काम आती हैं। वैसे तो मैं बहुत छोटी छोटी बिंदी लगाती हूँ, हर तरीके की लगा लेती हूँ वैसे। और
ये देखिए गाइज, ये मेरी बेटी का है और ये वूलन में है, मतलब देखिए बहुत प्रिटी सा पीस है, बहुत सुंदर पीस है। और ये जो आजकल स्ट्रेट पैंट चल रही है ना कुछ इस तरीके से वैल में, ये इसकी साथ पैंट, ये देखिए ये पैंट है और ये भी बहुत अच्छी है। तो सारा मुझसे पूछ पूछ के फोन पे ना बात कर लेती है, जैसा हमें पहनना होता है वो लेके आ जाती है इसी तरीके से। वैसे उसकी चॉइस भी बहुत अच्छी है, वो खुद भी बहुत अच्छा लेके आती है, मेरे को मतलब पसंद करने की जरूरत नहीं रहती है। ये बेटी का हो गया है और साथ में बेटे का देख लीजिए, ये देखिए गाइस, ये भी वूलन में है, मतलब जैसे सर्दियां आने वाली है उसी के हिसाब से वो कपड़े लेके आती है बच्चों के, और मतलब अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सा पीस है, पसंद भी आया बेटे को और पहन के देख के ना बहुत ज्यादा सुंदर लगा, बहुत ज्यादा। ये देखिए पूरा फुल साइज है और साथ में देखिए ये वाली उसकी जीन्स है। भाई जीन्स तो सबकी एक जैसी होती है, मुझे तो इसमें कोई अलग लगती नहीं है, पर फिर भी अच्छी है। तो ये बेटे का हो गया और अब आई बारी हमारे पति देव जी की, उनके लिए भी वो लेके आई है। ये देखिए मतलब सभी का लगभग वूलन का ही लेके आई है, बस मेरे ना कॉटन की मतलब मेरी साड़ियां हैं। ये देखिए अच्छी लग रही है ना, तो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत पसंद आई और इसका फैब्रिक ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, पहन करके भी बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए ये जीन्स है उनकी, तो देखो लेने देने से तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये एक मान सम्मान होता है, तो वो हमारा मान सम्मान देखो पूरा करती है, उसके लिए मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करूंगी उसका। क्योंकि देखिए हर चीज पूछ के लाना, हर चीज पूछ के करना, मतलब वो सबसे पहले हमें रखती है, सबसे आगे रखती है, तो इस वजह से। और आज गाइज मैं इतनी बिजी थी कि भाभी से आपको मिलवा भी नहीं पाई, क्योंकि एक तो उसका आने का टाइमिंग ऐसा था कि बहुत ज्यादा लेट आई है, और फिर दूसरी बात उसको जल्दी निकलना भी था क्योंकि घर में उनके भी घर में मेहमान आने वाले थे। तो इस वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर कभी आपको जरूर मिलवाऊंगी भाभी से। लेकिन पूरा दिन आज मेरा इतना बिजी का निकला ना गाइज, मैं कह नहीं सकती, क्योंकि काम इतना ज्यादा हो गया घर में और घर में गेस्ट और भी आए हुए थे। तो गाइस देखिए ये कुंज के लिए और बच्चों के लिए जो भी वो लेके, उसको शौक ही इतना है कि छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा बना देती है, और बच्चों के लिए हमेशा ऐसे ही लेके आती है। और बच्चे पता क्या है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उनके खाने की चीजें भाई आ ही जाती है। और कुंज के भी जो मैं आपको वो भी बताऊंगी, तो कुंज के सबसे पहले ये बता देती हूँ, तो ये है हमारे लिए और आपके लिए हमारी तरफ से मीठा है जो भाभी लेके आई है। और पता नहीं भाई मेरे को सारा वो मतलब ऐसी चीजें नहीं लेके आई है जो कि रसगुल्ले वगैरह नहीं लेके आई है, मतलब सूखी लेके आती है, तो काफी दिन तक रखे भी रहे हैं, फिर बच्चों के लिए काम आ जाते हैं। तो ये भाभी मीठा लेके आई है, आप सब भी मुंह मीठा करिएगा। और कुंज के लिए देखिए, कुंज के लिए भाभी पैसे देके गई है कि दीदी मेरे को इनका साइज नहीं पता था, उन्होंने देखे नहीं थे पहले कुंज, तो आइडिया नहीं था, तो वो कुंज के लिए मुझे पैसे देगी थी कि दीदी आप यहीं से ले लेना। तो देखती हूँ जब भी मैं कभी शॉपिंग कुंज की करूंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। तो ये छोटा सा जो भैया दूज का जो मतलब भाभी लेके आई थी वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी, तो वो आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये छोटी सी जो है हमारी कोतली कह लो या फिर वही जैसे भी कह लो, ये कैसा लगा आपको। तो गाइज वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी साड़ी या इनमें से कौन सा सामान ज्यादा पसंद आया। राधे राधे, हरे कृष्णा।